विवान, अपनी जुबान पर काबू कीजिए, नहीं तो लखनऊ भेज देंगे आपको। उठा के फेंक दो इन्हें हवेली के बाहर। अभी इन कमारों को खींच के निकालो बाहर। रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम तुम्हारी सारी पतंगें खरीद लेते। मैं तुमसे एक पतंग 1 रुपए में खरीदूंगा। मोटर वाले काका, लो एक और आ गया हमारी हवेली में हम पर हुकुम चलाने वाला। एक पाखंडी तो पहले से ही यहां मौजूद है। अब तू कौन, कौन है तू? अपने क्रोध पर जरा संयम रखिए कमल नारायण जी। आप मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बताता हूं। मैं वो हूं जो पार्टी में आपके भविष्य का निर्णय करेगा। मेरा नाम है अर्जुन देसाई। अर्जुन देसाई, अर्जुन साहब, आप छुड़ाई सकत है। ऊ रही हमरी दीदी। ये लोग हमरी दीदी का पकड़ लिए हैं। आप हमरी दीदी का छुड़ाई सकत हो? कस्तूरी, अपनी बेटी को संभाल ले, नहीं तो। नहीं तो क्या, आप उसके भी पैरों में बेड़ी डाल देंगी। साहब, इग्नो, मिस्टर देसाई, ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है, आप प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि ये लोग आपसे बहुत डरते हैं। इन लोगों ने हमारी असलियत जानने की कोशिश तक नहीं की, बस आपका नाम सुनते ही बौखला गए लोग। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। आप कौन और क्या मतलब है आप? नाम सुनते ही बौखला गए? हमें यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भेजा है चकोर के बारे में पूछताछ करने के लिए, क्योंकि चकोर में रेसिंग स्टार बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन इन लोगों ने इसे यहाँ पर बंधुआ बना के रखा हुआ है। पर इत्तेफाक देखिए कि हमारा नाम भी अर्जुन, अर्जुन खन्ना, इसीलिए भैया जी के लोग हमें आप समझ के यहाँ ले आए। देखा जाए तो हमें भैया जी के छोटे भाई का धन्यवाद करना चाहिए जो वो हमें यहां लेकर आए, और हम भैया जी की यह काली करतूत देख सके। चकोर यहां है इस बात का पता तो अब चली गया, और बहुत जल्दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी पता चल जाएगा जिसके लिए आप यहां आए। क्यों अर्जुन जी? बिल्कुल मिस्टर देसाई, जैसे ही हम यहां से जाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खबर कर देंगे। खेल मंत्रालय का फंदा तो आपके गले में पड़ ही चुका है कमल नारायण जी, और हाई कमान का फंदा हम डालने वाले हैं। सर ये बातें तो होती रहेंगी, आइए पहले उस निर्दोष बच्ची को आजाद कीजिए जो आपके पापों की बेड़ी अपने पैरों में बांधकर घूम रही है। गिरजा, बेड़ी बेड़ी खोल दो, खोल दो बेड़ी।
जी मिस्टर ईश्वर। अर्जुन अर्जुन क्या चल रहा है वहां पे, सब ठीक तो है ना? ईश्वर जी आज मकर संक्रांति है, आज के दिन हवाएं अपना रुख बदलती हैं। आजादगंज में भी हवाएं अपना रुख बदल रही हैं ईश्वर जी। जिन्होंने बेड़ियां बांधी थी आज वो खुद बेड़ियां खोल रहे हैं। अर्जुन सर क्या कह रहे हैं पापा? चकोर की बेड़ियां खोली जा रही हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ अर्जुन? यही तो नीति है मिस्टर ईश्वर, जहां रावण होते हैं वहां उनकी लंका जलाने के लिए भगवान कोई ना कोई अवतार जरूर ले लेते हैं। हम सारी बात विस्तार पूर्वक आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इस वक्त इस रावण की जलती हुई लंका का नजारा तो देखने दीजिए। हाँ हाँ अर्जुन साहब, हम आपसे वादा करते हैं चकोर या इस आजादगंज की किसी भी बच्ची या बच्चे के पैर में बेड़ी नहीं होगी, हम वादा करते हैं। आपके वादे पर कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं ये हम आपको बताते हैं। आप अंदर चलिए, कुछ बात करनी है आपसे। मिस्टर देसाई, आप बाकी सब गांव वालों के भी बयान ले लीजिए। उसकी फिक्र मत कीजिए, वो काम मैं यहां आने से पहले ही कर चुका हूं। सारे गांव में घूमने के बाद अब मैं जमीनी सच्चाई को जान चुका हूं, इसीलिए मुझे यहां आने में देर। चलिए कमल नारायण जी, आपसे भी दो दो बातें हो ही जाएं। जी जी अर्जुन साहब जी, चलिए चलिए। अर्जुन जी, आप बस्ती से घूमकर आ रहे हैं, थक गए हों, बैठिए। एक मिनट एक मिनट, गिरजा, अर्जुन जी के लिए चाय कॉफी लेकर आओ। हमें कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, भगवान का शुक्र है कि मिस्टर देसाई बिल्कुल ऐन वक्त पर यहाँ पहुंच गए। अब आप में से किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। कमल नारायण जी, आपकी करतूतें तो ऐसी हैं जिसकी पूरी फहरिस्त पार्टी कार्यालय के बाहर चिपका देनी चाहिए। बंधुआ मजदूरी, अपहरण, निर्मम हत्याएं, डराना धमकाना, लूट खसोट, क्या क्या गिनाएं आप सब जानते हैं। हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि आला कमान आपको जगमगाता तारा समझती है, पर वास्तव में आप पार्टी के लिए काला धब्बा हैं। देखिए अर्जुन साहब, आप जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत कीजिए। ये सब ड्रामेबाज, पाखंडी लोग,
चलिए, हमारा नाम तो खराब कर ही रहे हैं, आप आपका नाम भी खराब हो सकता है। भूल कर रहे हैं आप कमल नारायण जी, मैं पार्टी का पर्यवेक्षक हूं, भोला भाला वोटर नहीं हूं, जो आपकी झूठी बातें सुनकर आप जैसे नेताओं को अपना प्रतिनिधि बना लेते हैं। एक बार हमारी रिपोर्ट आला कमान तक पहुंची, आपको टिकट मिलना तो दूर की बात है, हो सकता है आपको पार्टी से ही निकाल दिया जाए। और रही बात उस सीट, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारे पास बहुत से उम्मीदवार हैं। देसाई साहब, लेना पसंद करेंगे या कॉफी? लीजिए, हमारी बात का प्रमाण भी मिल गया, आपके घर में एक उम्मीदवार है और इनकी छवि आपसे बहुत बहुत अच्छी है। आपके जो जी में आए वो कीजिए। पिछले कई सालों से आजादगढ़ से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, आगे भी जीतेंगे, याद रखिएगा। रही बात आपकी अंजना देवी जी, ओहो, खादी की साड़ी जच रहा है आप पर, सच में जच रहा है, लेकिन इसे पहनकर यहां क्यों घूम रही हैं आप? जाइए मतदाताओं के बीच में जाइए, वोट मांगिए, हो सकता है आप पर दया आ जाए उनको और एक दो वोट जो है भीख में दे दें। दीदी, अगर वो मोटर वाले का मालिक का पिंजरा बंद कर दिए तो तू हमें संग घर आई सकत है ना? क्यों अर्जुन साहब, बात समझ में आई? हम आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले ना, जो करना है कर लीजिए, हम किसी से नहीं डरते। अरे क्या कर रहे हैं आप, शांत हो जाइए। बहुत घमंड है आपको अपने वोट बैंक पर, बहुत उछलते हैं आप उस पर। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, बात आपको वोट दिलाती है वो आपकी लोकप्रियता नहीं है, भय। लोग डरते हैं आपसे। अगर मैं बाहर जाऊं और आपके मतदाताओं को बताऊं कि आपका असली चेहरा क्या है, तो आप अपनी शक्ल आईने में देख नहीं सकेंगे। आप हमें फिर से डरा रहे हैं, क्या क्या बताना चाहते हैं आप? आजादगंज से पार्टी की तरफ से हमें टिकट देने के बजाय आप किसी और उम्मीदवार को टिकट देंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप? ठीक है, दे दीजिए। एक बात बता देते हैं आपको, आपके उसी उम्मीदवार के सामने हम निर्दलीय खड़े होंगे, फिर देखिए कौन जीतता है, वो यहां। चलिए ढूंढिए एक नया उम्मीदवार, ढूंढिए आजादगंज में, हैं, हम भी देखते हैं, ढूंढिए। वो तो मैं करूंगा ही, पर इससे पहले हाई कमान को आपकी करतूतों के बारे में बताऊंगा, फिर वो फैसला करेंगी कि
अगला कदम क्या उठाना है। एक मिनट अर्जुन साहब, शायद हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ है बाहर, जो कुछ भी हुआ ना इसमें ये आप ही कमाल करते हैं, आज ब्लड प्रेशर टैबलेट नहीं दिया। देखिए अर्जुन साहब, शायद ब्लड प्रेशर की वजह से हम कुछ ज्यादा बोल गए हैं, तो आप प्लीज आप हमारी अब पछताने का समय निकल चुका है कमल नारायण जी। अर्जुन जी हमारी बात तो सुनिए, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे, बस ये कि थोड़ी बहुत ज्योतिष की जानकारी हमें भी है। अब जैसे हम ये बता सकते हैं आपसे कि आपने अपनी अंगूठी में जो रत्न लगा रखा है वो किस चीज के लिए, वो उसी लिए लगा हुआ है ना कि धन की बढ़ोतरी हो, लक्ष्मी आए। क्या बोल रही हैं आप? वो आपने जो दूसरी अंगूठी पहन रखी है उसमें जो रत्न लगा हुआ है वो सुख और शांति के लिए है ना। वैसे हमारा मानना तो ये है कि अगर आपके पास धन संपत्ति है तो किसी प्रकार के सुख शांति की कोई जरूरत ही नहीं। अब देखिए ना, हमने और एमपी साहब ने ज्योतिष की दी हुई कोई भी अंगूठी नहीं पहन रखी, भगवान की बड़ी कृपा रही है हम पर, हमारे पास धन दौलत जायदाद अब सब है। नाना ये वो क्या रहा है भाई? अरे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, धन दौलत। 2 करोड़ जल्दी कीजिए, घंटी बज रही है। अरे एमपी साहब जल्दी जवाब दीजिए, सोचने का समय तो दीजिए अर्जुन साहब आप। 5 करोड़ मंजूर है। हेलो, हाँ अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूँ अर्जुन देसाई। सब अफवाह थी, झूठ है सब। दरअसल कमल नारायण जी और हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी। जी मैं फोन करता हूं आपको। बहुत देर लगा हुआ था साहब बाहर आवे, लगता है भैया जी के साम्राज्य का अंत निश्चित है। कैसन बात करत, मालिक का अंत हुई गवाह तो समझो हम सबन का अंत हो जाइए। मालिक के खेतों से ही तो हम सबन का चूल्हा जरत है। वो बात तो बराबर है। आप लोगों को इस हालत में देखकर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए नहीं कि आप हवेली के अंदर आ गए, बल्कि इसलिए कि आप लोग कितने नादान हैं। ये कुछ नए पुराने कपड़े दे दिए गए आपको, हवेली के अंदर पतंग उड़ाने का मौका दे दिया गया, तो आप लोगों को क्या लगा कि वो परंपरा जो पिछली कई पीढ़ियों से चलती आ रही है वो बदल जाएगी? अपने आप को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए, जो सच है उसे देखने की चेष्टा कीजिए। हमारा मन भारी होता है आप लोगों को इस हालात में देखते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और हमने फैसला लिया है कि इस परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद हम भैया जी के मुकाबले चुनाव लड़ेंगे। आपने हमेशा अपना कीमती मत भैया जी को दिया है,
और बदले में उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ? क्या मिला आप लोगों को? अब अपना कीमती मत हमें दो, हम आपको आजाद कराने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके सारे अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे, आजाद गंज में विद्या की व्यवस्था कराएंगे। ना ही ये केवल प्यारी बच्ची स्कूल जाएगी, बल्कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाएगा। हम चुनाव में विजयी प्राप्त करने के लिए आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे, बस इतना जरूर कहेंगे कि हमारी नजर में आप लोग जानवर नहीं, इंसान। अब जरा इस बच्चे को देखिए, कितना कमजोर है ये। हम अस्पताल भी बनवाएंगे जिसे गांव का हर बच्चा तंदुरुस्त। ये क्षमा कर दीजिए मालकिन, कोई बात नहीं बहन, हम अभी आते हैं। क्या हुआ रहना? राजनीति में आते ही दामन में दाग लगी। कोई बात नहीं जेठानी, ये वो दाग हैं जो धुल सकते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन? मैं हूं अर्जुन देसाई। हाई कमान ने मुझे यहां भेजा है ताकि यहां के हालात देखकर मैं उन्हें रिपोर्ट कर सकूं। आप लोगों के चमकते हुए कपड़े और खिले हुए चेहरे देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे और किसी छानबीन की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि आप लोग कमल नारायण जी के चुनाव क्षेत्र में शांति और सुख के साथ रह रहे हैं।